नहीं मैंने जो पा रहा है, तो थोड़ा फंसने फंसाने वाली बात हो गई। थोड़ा वो करो, घबराओ मत, चीज़ें होगी पन करते रहो। मतलब अब टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं कि अपन पढ़ाई छोड़ दे, जितना हो रहा उतना करते रहो। मतलब स्ट्रगल देखो, कभी भी चीज़ें लाइफ है ना स्मूथली नहीं चलती, आगे बढ़ते रहो, चीज़ें जो भी है करते रहो धीरे 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 धीरे, घबराओ मत उन चीज़ों को लेकर। बस ये है कि कुछ ना कुछ करते रहो, एटलीस्ट ये मानना है कि मेरा, कि अगर डेली आप 4-5 घंटे भी निकाल रहे हो, पढ़ रहे हो ईमानदारी से साल भर, तो बहुत कुछ अच्छा आउटपुट आएगा ये चीज़ याद रख ले। तो घबराओ मत वो चीज़ें, ठीक है? ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपन। फटाफट से करते हैं आज अपना। देखो पहला यहाँ तक हो गया है, ठीक है? तो आज एक तो ये चैप्टर खत्म करेंगे और एक ये चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद में लगभग लगभग अपने कितने 16 चैप्टर, 8 चैप्टर और बचेंगे, तो ये बहुत फास्ट हो जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। और लगभग अपने पास कितने दिन हैं, हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आराम से 1-2 दिन उधर भी चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कितने नंबर पे है ये? 218। ठीक है, तो ये आ गया। लग रहा है इसमें यूपीएससी वाले क्वेश्चन है, पीसीएस में नहीं पूछता ये। न्यायपालिका से पहले, हाँ ये रहा, ठीक है, पीसीएस का ही है, इसमें यूपीएससी का नहीं है ये। चलो पहले का जवाब दो ना, गिना चालीस तो इसमें कौन सा आता है इसकी जगह, ये बताओ। हाँ? नहीं, तो यहाँ पे कौन आएगा इसकी जगह? 240 बार में किसके बारे में दिया है बताओ। सर इसमें कुछ राज्य क्षेत्र में विनिमय बनाने की शक्ति दी गई है राष्ट्रपति के द्वारा। तो मतलब पुडुचेरी नहीं आएगा तो कौन आएगा ये मुझे बताओ। ये पुडुचेरी देख के बताओ क्या आएगा। दादरा और नगर हवेली। अच्छा, और ई में दमन दीप हो जाएगा, ई में पांडिचेरी, मतलब यही में अंगा में पांडिचेरी। ठीक है, ठीक है, चलो अंगा में, अंगा चलो, ठीक है। सपना जवाब दो इसका, सेकंड का ये तो रटा हुआ होना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन आ गया है, जल्दी बताओ। सपना सुन रहे हो? 69। हाँ ये तो रटा होना चाहिए, ठीक है। चलो कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है बताओ जल्दी से, कल भी आया था ये क्वेश्चन, तो जल्दी बताओ रे। गोवा। निम्न संविधान पंक्ति किसके अंदर दिल्ली को नेशनल कैपिटल, जल्दी बताओ फटाफट से। हाँ 69। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश कितने सीटें स्थान आरक्षित था बताओ फटाफट से। 530 और 20, टोटल 550 सीटें है ना, ऐसा फॉर्मूला रहता है। चलो दिल्ली क्या है बताओ, एक यूनियन टेरिटरी स्टेट है क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। भारत में संघ राज्य प्रशासन होता कौन होता है, इसका हेड ऑफ कौन होता है? राष्ट्रपति होगा ना, राष्ट्रपति। द यूनियन टेरिटरी इन द आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द राष्ट्रपति, याद रखना। चलो ये चैप्टर खत्म हो गया, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। खत्म? हाँ, तो इसमें 7-8 क्वेश्चन ही थे।
जुडिशरी में ज़्यादा है तो जुडिशरी को मंडे ट्यूजडे में ख़त्म करेंगे। चलो आ जाओ, अब इसमें पहले पीसीएस वाले क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। चलो आइए, अच्छा क्वेश्चन है। कोयलो केस किस भारत के संविधान किस अनुच्छेद से संबंधित असना बताओ। पता नहीं, पूजा बता। पूजा नवी अनुसूची। नवी अनुसूची में किसके बारे में दिया है बताओ लो। पूजा केंद्र और राज्य के सिर्फ केंद्र और राज्य के कानून के विषय में दिया गया, इसे की चुनौती नहीं दी जा सकती है न्यायालय में। गलत बता रही हो तुम, ये नहीं आएगा। और ये है कि कानून का जो है ना वो समीक्षा को भी नहीं किया जाएगा। पहले तो मुझे बताओ नवी अनुसूची किससे रिलेटेड है, ये बताओ मुझे। भूमि सुधार से। हाँ तो याद रखना कि देखो सुनो, तुम लोग है ना यही गलतियाँ करते, सुनो ध्यान से। नवी अनुसूची क्या हुआ था, जब लैंड रिफॉर्म हो रहे थे ना तो क्या था उस टाइम आर्टिकल 19 में, वो तब राइट टू प्रॉपर्टी भी था, तो गवर्नमेंट क्या था कि उस टाइम फंडामेंटल राइट में वो नहीं कर सकती थी हस्तक्षेप। तो उन्होंने क्या किया, ये नवी अनुसूची लाया और उसमें भी प्रोविजन कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट इसका रिव्यू नहीं कर सकता। तो कोयलो केस में बोला कि नहीं, इसका भी रिव्यू हो सकता है। याद रखना, जो नवी अनुसूची में डाल देती है गवर्नमेंट उसका भी रिव्यू हो सकता है, ठीक है। क्योंकि सर वो उसका उल्लंघन कर रहे थे ना नवी अनुसूची का। हाँ मतलब उसका गलत यूज कर रहे थे, हर चीज को वहाँ डाल रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट से बचना चाह रहे थे हर चीजों को इस कारण से। चलो और इसी वजह से सर सुप्रीम कोर्ट ने वो भी नहीं तय की कहाँ पे हम उसको रिव्यू कर सकते, कुछ भी कहीं से भी कर सकते। चलो इसका कौन बताएगा, नगीना बताओ इसका। सर एकात्मक तत्व में संविधान की सर्वोच्चता होगी। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा, राज्यपाल की नियुक्ति होगी और राष्ट्रपति की राज्य विधेयकों पर स्वीकृति होगी। इसका मतलब क्या समझती हो, यूनिटरी एलिमेंट्स ऑफ द फाउंड ऑफ फेडरल। अध्यक्षात्मक सिस्टम। नो 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 नो, और कोई बताएगा। किसका मतलब संविधान तो है सर, लेकिन संविधान तो संघीय में लेकिन संविधान तुम लोग नहीं समझ रहे हो। देखो भारतीय एकल में। हाँ बताओ नर्मदा। एकल में जो होता है वो जो शक्तियां होती हैं वो केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय शक्तियां में निहित होती है, मतलब एकल सरकार में। और जो फेडरल होती है उसमें संविधान के तहत दोनों के बीच बटी हुई होती है। नहीं नहीं तुम भी नहीं समझे, और कोई बताना चाहेगा। अरे मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ ये क्या है, इसका मतलब क्या है सर। एक हाथ में पावर सर। बताओ क्या सना क्या बोल रहे हो सर। एक हाथ में पावर, एक हाथ में। अच्छा तथ्यों का जो सिस्टम है वो एक एक पक्ष होगा एक तरीके से। देखो सुनो सुनो तो। देखो फेडरल सिस्टम में क्या होता है, देखो ये चीज़ याद रखना, जब बोलते हैं ना कि जब तक भारतीय संविधान है वो एकात्मक बन जाता है, किस परिस्थितियों में एकात्मक बन जाता है, जब सेंटर के पास सारी पावर आ जाती है, जैसे मान लो कि जब वो आपातकाल लगाता है, इमरजेंसी लगाता है, ठीक है, मतलब जहाँ पे पावर का सारी चीज़ें जहाँ पे सेंटर के पास आ जाए एकात्म तत्व तो उनको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाएंगे जिनके मतलब सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, ऐसे कौन से तत्व बताने हैं आपको। पर लिखित संविधान में तो राज्य को भी पावर दिया गया, तो इसलिए ये नहीं होगा,
कठोर संविधान है ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी तो पावर को डिवाइडेड किया गया है, ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। देखो एक चीज़ याद रखना, फेडरल सिस्टम जो तुम बता रहे थे कि फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि इसमें पावर्स बटी हुई रहती है, ठीक, पर जैसे कुछ विशेष परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिसमें मतलब जो पावर है वो उसके पास सेंटर के पास चली जाती है, तो संविधान के सर्वोच्चता के कारण मतलब उसमें क्या होता है कि जैसे जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको ज़्यादा सुप्रीमेसी दी जाती है, ना कि किसी, जैसे मान लो अमेरिका में क्या होता है ना, वहाँ पे इसीलिए तो बोला जाता है ना कि वहाँ जो राज्य हैं वहाँ का एक अलग रोल रहता है, वहाँ पे वो स्टेट जो सेंटर रहता है ना उसे इक्वल रहते हैं वो लोग, पर यहाँ पे भारत में क्या है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या हो जाता है कि जो सेंटर है वो ज़्यादा हावी हो जाता है स्टेट पे, इसीलिए, ठीक है, तो संविधान की सर्वोच्चता के कारण ही ऐसा होता है, ठीक। दूसरी बात देखो, राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, ये वाला भी रहेगा क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति में सेंटर की भूमिका रहती है ना, राज्य की भूमिका कुछ रहती नहीं है, ठीक है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण ये नहीं होगा क्योंकि इसमें तो पावर ऑफ सेपरेशन रहता है, स्टेट और सेंटर में डिवाइड रहता है। राज्य विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकृति, ये भी देखो सेंटर के पास चला जाता ना पूरा मामला, ठीक है, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जिसमें क्या हुआ, संविधान की सर्वोच्चता तो सीधे संघीय संस्थाओं में दिया है, एकात्मक में दिया ही नहीं। एकात्मक तत्व नहीं है ये, नहीं एकात्मक में ये पॉइंट है ही नहीं, उसमें लचीलापन है संविधान का, एकल संविधान है, लचीलापन है, लेकिन संघीय विशेषताओं में सीधे पॉइंट ही है संविधान की सर्वोच्चता। अरे नहीं, बात तो बात है, संघीय व्यवस्था तो है उसमें, एकात्म तत्व तो पूछ रहा है आपसे। तो सर ये तो संघीय में आ रहा है ना, संविधान की सर्वोच्चता का तो ये एकात्म तत्व तो है ही ना इसका, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लो, पर ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना, चलो ठीक है। इसका बताओ अमित, इसका बताओ थर्ड का, पर वो याद रख लेना ना, ये देख लेना अच्छे से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकात्मक पावर क्या होती है, क्या होता है, सारी चीज़ों समझ लेना, तो यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा। चलो अमित बताओ थर्ड का, अरे कल वाले क्वेश्चन का कोई आंसर ढूंढ के लाया? हाँ सर, वो पूछने वाली थी सर, उसका तो मिला ही नहीं, हूँ बार बार में संसद के बारे में बता रहा था उस, अरे नहीं राष्ट्रपति के बारे में तो आता है, राष्ट्रपति जवाबदेह होता है संविधान के प्रति, ये चीज याद रख लेना, ठीक हो जाएगा सर उसका सभी, ठीक है, तो ये याद रख लेना, राष्ट्रपति संविधान के प्रति जवाबदेह रहेगा। थर्ड का क्या बता रहे हो, डी, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित किन किन संस्थाओं को आवश्यक माना गया है, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद होता है, ठीक है, वित्त आयोग में क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सभी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना ये चीज, अरे मेंस में भी लिखे लिखने लायक पॉइंट है। चलो नीचे करना, दोबारा कॉल करना, चलो सपना बताओ चौथे का, फिर तुम उसका क्या करना चाहते है, रुको भी संघीय सूची, अरे भारतीय 97 में संघीय सूची में सबसे ज्यादा होगा, संघीय सबसे ज्यादा हो तो ये हो गया, फिर उसके बाद राज्य सूची में होगा, फिर समवर्ती सूची में होगा। चलो भारती बताओ पांचवे का आंसर, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, केंद्र तथा राज्य की भी शक्ति का पूर्ण रूप से लिखित संविधान, नागरिकता अधिकार, क्या हुआ सर इसका,
यही कह रहा है ना, यूपीएससी 2021 में आया था यही। हाँ। सेम क्वेश्चन केंद्र सरकार राज्य में शक्ति का बंटवारा होगा। बताओ क्या है आंसर भारती? ये भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, ये होगा सर। हाँ यही गलती करो। अब सुनो देखो ना मैं बता रहा हूँ। सी है इसका, सी एकरी नागरिता तो सी लग रहा है। हाँ हाँ नहीं है। अब तुम्हें पता है यूपीएससी ने यही सेम क्वेश्चन पूछा था और उसमें पूछा था उसने कि संघीय लक्षण कौन सा है, तो उसका आंसर आया था स्वतंत्र न्यायपालिका, याद करो 2021 का क्वेश्चन। तो देखो ये रिपीट होता है डायरेक्ट पीसीएससी। क्या हो गया? एकल नागरिकता है ना। हाँ तो अरे मैं ये बता रहा हूँ यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ये था स्वतंत्र न्यायपालिका। मतलब ये देखो यूपीएससी का क्या हो गया, मैंने पढ़ा था कहीं लगता है कि पूर्ण रूप से न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। तुम मैं फिर में बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों तुम गलत चीजें पढ़ रहे हो। ये गलत एज्यूम कर लिया होगा मैंने पढ़ते समय। ठीक है सुनो ध्यान से अभी इधर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी में डायरेक्ट पूछा है क्वेश्चन। ठीक है देखो, कौन एक भारत के संविधान के संघीय लक्षण, देखो अब ये लिख लेना कि वो संघीय लक्षण कौन सा है, कौन से एकात्मक लक्षण है, कौन से क्या है, क्योंकि यूपीएससी ने 3 या 4 बार क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में। ठीक है तो ये एकरी नागरिकता याद रखना संघीय लक्षण नहीं है, क्योंकि देखो संघीय लक्षण मैंने क्या बोला, जहाँ सेंटर और स्टेट दोनों का रोल रहे, जैसे केंद्र राज्य भी सकते हो बंटवारा, इसमें सेंटर और स्टेट का रोल है, पूर्ण रूप से लिखित संविधान इसमें भी है। ठीक है सेंटर स्टेट के बारे में, स्वतंत्र न्यायपालिका वो सेंटर और स्टेट के मामले सुनती है, पर नागरिकता ओनली किसके पास रहती है, किसकी नागरिकता ओनली सेंटर की। ठीक है इसका आंसर हाँ। अब देखो ये वापिस है, फिर ये क्वेश्चन आगे मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान में एकात्म तत्व सना बताओ इसका। इसके ऑप्शन दिखाना। अरे ऑप्शन है तुम तो मुझे इसी में बताओ। अच्छा ठीक है, एकात्मक केंद्र का और राज्यपाल की नियुक्ति। हाँ राज्यपाल की नियुक्ति हो गई, और और राज्यसभा में असमान पत्र न्यायिक पर राव लोगों ने हो सकता है सर। नहीं नहीं होगा, राज्यसभा में असमान पत्र ये होगा, राज्यपाल की नीति राज्यसभा असमान पत्र याद रखना इसे 2-3-5। चलो 7 का बताओ, वैशाली बताएगी 7 का। वैशाली बताओ। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना, विविधता के समन्वय से एक सशक्त ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का, सर ये भी सही है और इसमें लिखा है विविधता, विविधता सर अनेकता को एकता में प्रदर्शित करता है, तो सर आर जो है वो ए को परफेक्ट कर रहा है, तो सर बी आएगा इसका। सही है, देखो सुनो, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता, याद करो 6ठी क्लास का पहला चैप्टर, विविधता के समझन से एक सशक्त न कि एक कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण होगा। ठीक है ये आर दोनों अपने आप में सत्य और आर से एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है चलो 8 का बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है पर बताओ। हाँ चलो 9 का सना बताओ, गलत नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन अच्छा है। अरे वो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन यहीं से आएंगे और मैं तुम लोगों को 2024 का पेपर जिस दिन होगा उस दिन बताऊंगा पेपर पूरा।
इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ सर, भाग हूँ पंचायत से। आंसर, आंसर बताइए आप। एक मिनट सर, भारतीय संविधान को तो सर भाग नौ तो पंचायत से, भाग नौ ए नगर पालिका से, एन भाग चार ए मूल कर्तव्य से, एन आठ ए संघ राज्य क्षेत्र से, राज्य क्षेत्र से। और देखो ए का थर्ड हो गया नवा, ठीक है पंचायत, तो ए का थर्ड हो गया तो आंसर ये आ गया। बी का वन आठ होगा संघ राज्य क्षेत्र से, ठीक है। फिर उसके बाद में बात है सीधा भाग चार ए मूल कर्तव्य कितनी बार पढ़ा है, ठीक है। अरे नाइन ए नगर पालिका से, अब ये तो इसमें डाउट होने नहीं चाहिए, तो सारे पढ़े हुए। चलो ये बताएगा कौन, अमित, अमित बताओ। सुमेलित नहीं है ये, शेयर शेयर बाजार हो जाएगा सर। देखो शेयर बाजार पे ये बताओ किस में आएगा, मुझे ये बताओ सर। ये संघीय में, संघीय में। अरे ऐसे दिमाग लगाया करो, सेंट्रल शेयर बाजार होता है, संघीय में तो आएगा, राज्य को सेली शेयर कौन बाजार होता है, ठीक है। तो ऐसे भी कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, वर्ण समर्थित सूची हो गया, डाकर बचत बैंक संघीय सूची है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची है, ठीक है। चलो ग्यारहवें को बताओ नगीना। सही इसका होगा, पहला सही है तो भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है, दूसरा गलत है क्योंकि 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा को प्रावधान, दूसरा गलत है। 352 क्या आएगा यहाँ पे बताइए, 352 की जगह क्या आएगा? आपातकालीन प्रावधान नहीं, शायद मुझे कंफर्म नहीं है, कोई बताएगा है, क्या आएगा इसकी जगह? 352 राष्ट्रीय आपातकाल होता है, 365 के तो 356 से लगेगा। राष्ट्रपति शासन 356, वित्त आपात ये 360। अरे पर इसमें 365 आएगा, संविधानिक तंत्र की विफलता का दशा पर आना ना, 365 के तहत होता है, ये चीज याद रखना। चलो भारती बताओ बारहवें का, ये अच्छा क्वेश्चन है। 356 होगा सर, 365 होगा, 356 होगा सर, 356 में तो वो है राष्ट्रपति शासन के बारे में है। नहीं सर, राज्यों में संविधान के जो विफल हो जाता है उसकी उपवन दिया हुआ सर। 365 में क्या दिया है सर, जो 356 लगता है ना उसकी सारी दशा है, हाँ, सही है, सही है, मतलब 356 में आएगा, हाँ सही है। संविधानिक तंत्र, जब मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर निर्देश देती है ना राज्यों का, उसका पालन नहीं होता तब 365 के तहत लगाया जा सकता है, ठीक है। चलो बताओ बारहवें, बताओ भारतीय बारहवें का। संघवाद की ओर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने कौन सा प्रधानमंत्री एपिसोड देखा होगा? नहीं देखा सर, ये इंदिरा गांधी वाला है ना, तो 70 वाला दशक हो जाएगा। गलत राज्यों की तरफ जाने लगी। मुझे बताओ, देखो सुनो ध्यान से, क्या हुआ था जब, देखो 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर राजीव गांधी बनता है, राजीव गांधी फिर वो अच्छे तरह राजीव गांधी खत्म हो जाता है उस टाइम। फिर उस टाइम क्या होता है ना, कोलिशन वाली गवर्नमेंट बनती है, कोलिशन वाली गवर्नमेंट बनती है तो क्या होता है कि सेंटर को झुकना पड़ता है, ठीक है। और याद करो कि 19 के दौर में ही उस टाइम जो पंचायती राज इस टाइप के सिस्टम आए थे, उस टाइम क्या होता ना कि कोलिशन वाली गवर्नमेंट बनने के कारण क्या होता, राज्यों को उनके बारे में सुनने, पहले क्या होता था ना सेंटर में जब गवर्नमेंट रहती थी तो वो राज्यों में सरकारों को गिरा देती थी, क्योंकि सेंटर में बहुमत से सरकार, जैसे बीजेपी है अभी फुल मेजोरिटी से, तो राज्य में सरकारों को नहीं चलने देगी उस तरीके से। तो ये बोला संघवाद की तरफ, जब मतलब राज्यों को प्राथमिकता देने लग गए,
ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो 13 का बताएगा कौन, बताएगा जल्दी बताओ। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है, बी आर अम्बेडकर, चलो छोड़े अपना। चलो बात है संघवाद, सहकारी संघवाद किसने कहा था बताओ? जेनिंग्स ने जी। ऑस्टिन, क्या सर ऑस्टिन ने कहा है? अरे ये छोड़े, पीसीएस के लिए यूपीएससी नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो। चलो सपना ये बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है सपना, बताओ कौन सी जोड़ी सम्मिलित है? सर इसमें भारत का निर्वाचन आयोग 324 ये सही लग रहा है, क्योंकि मेरे को यही पता है इन तीनों में से। अब मुझे ये बताओ, हाँ ये कहाँ आएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ आएगा, संघीय लोक सेवा आयोग कहाँ आएगा, महाविधिवक्ता कहाँ आएगा, बताओ सब बताओ। सर महाधिवक्ता तो क्षेत्र में आएगा। अच्छा ठीक है, संघीय लोक सेवा आयोग ये याद नहीं है, ये याद नहीं है। कितना आएगा? 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनिमय बनाने की शक्ति। ठीक है, बाहर का सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कहाँ दिया है? 324 ए भारत निर्वाचन आयोग के दिया है। 324 निर्वाचन आयोग। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कहाँ दिया है बताओ? अरे नहीं वो नहीं आएगा, 165। अरे बताओ कहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट के बारे में? 129 सही है सर। सुप्रीम कोर्ट है ना सर, अनुच्छेद 145 में आएंगे सर। 124 लिख रहा है इसमें, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अब तुम ही लोग ही बताओ, कोई 129 बता रहा है, कोई 147 बता रहा है, 146 में सर, मैंने 140 है सर। अब तुम लोग ही बताओ भाई, 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना सर, उच्चतम न्यायालय 124 है। हाँ 124 भाई, 124 से लेके 147 तक दिया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। चलो ठीक है, बात है कितने भागों में विभाजित किया गया बताओ जल्दी से। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब देगी नगीना बताओ। कौन सा सही है सर? दूसरा सर, इसमें चौथा सही है, मौलिक अधिकार 4A में है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। तो अच्छा से देखो सुनो, तो बताओ संविधान का दूसरे भाग में क्या दिया है बताओ फटाफट से। सर नागरिकता। हाँ मौलिक अधिकार कहाँ पे दिया, कौन से भाग में दिया है? चौथे में, मौलिक अधिकार तीसरे में। मौलिक अधिकार तो, हाँ मौलिक अधिकार तो उसमें सर। मुझे बताओ अगर इसका आंसर आप सही बता रहे हो तो ये भी तो सही है, दूसरे भाग में देखो नागरिकता ही तो दिया है, अब देखो ये दूसरा भी सही है। सर हमको भी डॉक्टर आता मौलिक अधिकार तो 3 में है ना। हाँ तो गलत हो गया ना, तो आंसर सही होगा, सही हो गया। संविधान का पांचवा भाग किसके बारे में बताता है बताओ जल्दी से। सॉरी किसमें? चलो ठीक है नगे, सना सना 18 का जवाब दीजिए आप। हाँ बताओ बताओ, जो कोई बात नहीं फिर भी गलत करोगे तुम लोग, कोई ना कोई तो होगा गलत।
सर इसके सी रहेगा आर क्यों गलत है बताओ अर्थ संविधान ना तो संवैधानिक है और ना ही एकात्मक है सर अर्थ संवैधानिक है ना सर देखो भारत संविधान संगात्मक है भारत संविधान ना तो संगात्मक और नहीं एकात्मक है चलो ठीक है इसका बताओ वापस से जिसका आंसर बताएगी वैशाली वैशाली जवाब दो सर 20 का 19 सर बी होगा इसका बिना पढ़े जवाब दे दिया अच्छा बस देखो सुनो वित्त आयोग के बारे में कहाँ दिया है बताइए जल्दी से 260 ठीक है वित्तीय आपातकाल 360 अखिल भारतीय सेवा 312 संविधानिक संशोधन 368 ठीक है चलो सपना बताओ 20वें का कौन सा समवर्ती सूची में है तो ये शिक्षा देखो रक्षा रक्षा किस में आएगा सपना बताओ ये संघीय में एग्रीकल्चर किस में आएगा ये राज्य में और ये पुलिस भी राज्य में चलो ठीक है पूजा बताओ 21वें का क्वेश्चन का पूजा कितनी बार रिपीट हो जाओ पूजा कहाँ सो रही हो सर बता तो रहे डी आ जाएगा डी आ जाएगा क्वेश्चन क्वेश्चन 21 का 21 सर 22 21 का पूछ रहा हूँ पूजा तुमसे कहाँ सो रही हो तुम दसवीं में तो कल पंचायती राज किस में है 11वीं में भूमि सुधार 9वीं में संघ राज्य मध्य शक्ति विचार 7वीं ये याद होनी चाहिए सब चलो कौन बताएगा मणिपुर 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है मणिपुर एटीएम मेगा का याद रखना ठीक है एटीएम असम त्रिपुरा मेघालय त्रिपुरा मिजोरम हो जाएगा ठीक है याद रखना चलो 23वें क्वेश्चन का जवाब दो अमित ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर बार बार बता रहा हूँ कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है ये बार बार ये चीज याद रखना अच्छा क्वेश्चन है बताओ अमित एक सही है सर इसका आगे आगे और बताओ और सर 4 भी सही है सर और 4 भी सही है सर तुम तो गए गलत हो तुम्हारा आंसर गलत चलो ठीक है और कोई बताएगा इसकी ऑप्शन देखा ना नहीं बताऊंगा इसी में बताओ मुझे भारती बताओ भारती सो रही है नहीं सो रहा चल रहा हूँ मैं तो बता रहा हूँ बताइए ऑप्शन नहीं बताऊंगा कि किसी का ऑप्शन आजकल ऐसे आता है 1 2 3 4 फर्स्ट सही है और सेकंड भी सही है अच्छा आगे और क्या हो गया भारतीय आवाज नहीं आ रहा क्या हेलो मेरी आवाज आ रही है हेलो ये आवाज किसके माइक से आ रही है मेरे मेरी आवाज आ रही है बताओ आ रही है मेरी आवाज हाँ आ रही है तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो
बताओ इसका आंसर। अरे तो ऑप्शन तो दिखाओ। नहीं दिखाना, यूपीएससी में इस टाइप के आते हैं कि स्टेटमेंट सही, दो स्टेटमेंट सही, तीन स्टेटमेंट सही, चार, बताइए आप। ये गलत है, ये गलत है। ठीक है चलो चौबीस बताओ सना। केंद्र सूची ओके हो गया, समवर्ती सूची, केंद्र सूची का जनगणना आ जाएगा सर इसका ऑप्शन, सर इसका आ गया याद रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी पहले पूछता था इस टाइम। चलो बता बात है संविधान में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ फटाफट से। अरे डायरेक्ट इसी से कर लो, 22 भाग तो अभी बताया, 22 भाग 12 तो चलो। राज्य भूमि सुधार अधिनियम निकली संवैधानिक सुरक्षा कहाँ पे लाया गया था जल्दी से बताओ, लैंड रिफॉर्म कहाँ पे आया था? नौवीं। चलो ठीक है, अनुच्छेद 124 में किसके बारे में दिया है बताओ जल्दी से, याद करो अभी बताया था। 124 वो है ये न्यायपालिका। पांच में क्या दिया है? पांच में संघ सरकार, ताकि फेंको नागरिकता। अनुच्छेद 52 में क्या दिया है? 52 में तो वो है क्या बोलते हैं इसको, आपातकालीन 245 में आपातकालीन। ये चारों स्टेटमेंट सही है, ठीक है याद रखना है चीज। चलो ठीक है नगीना बताओ 28 का। नगीना सुन रहे हो? आर्थिक योजना क्या होगा? समवर्ती सूची का होगा। हाँ समवर्ती सूची में आएगा, प्लानिंग दोनों को करना होता है। चलो भारती बताओ 29 का। सही तो बड़े बड़े मैंने से ही पूछते हो। तुम क्यों सबसे बड़ी हो इसलिए आप बोलो। देखो तो भारत संघ नहीं है, किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसके समझ नहीं है, इसीलिए झूलता था ये। तो फर्स्ट तो गलत है ना? फर्स्ट गलत तो आंसर भी आ गया। किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति बिना प्रेरित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है, याद रखना ये स्टेटमेंट। ठीक है पूजा अरे बताओ 30वें का। इसका ऑप्शन ऑप्शन ना का है ये, यहाँ पे मिला और बताओ। अनुसूची भाई सबसे इम्पोर्टेंट का है, पूछते हैं बार बार, अभी डंडा मारूंगा यहाँ पे। सर्वश्रेष्ठम भाषा भाषा हो गई, चतुर्थ में राज्यसभा हो गई, षष्ठ में जनजाति क्षेत्र हो गए, आ गया आंसर। अरे पूजा क्या है ये याद होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है ये तो। अरे तो याद होना चाहिए। चलो ठीक है तो नर्मदा 31 का बताओ। कर लेंगे सर। ठीक है ठीक है, नर्मदा बताओ 31 का बताओ। बताओ क्या हुआ? सही है। देखो ये अभी तो आया था रिपीट, भारतीय संघीय राज्य है, भारत में संघवादता व्यवहारिक नहीं है, फेडरलिज्म नॉट ए प्रैक्टिकल यूनियन। चलो भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किन का उल्लेख किया गया बताओ, राज्य सूची में कौन सा आता बताओ जल्दी से। क्योंकि शिक्षा किस में आएगा, समवर्ती सूची में, विद्युत भी समवर्ती सूची में, वन भी समवर्ती सूची में।
चलो 12 संवैधानिक दस्ते अनुसूची किसके बारे में बताती है, जल्दी बताओ जल्दी जल्दी। तो चलो 34 का बताओ। संविधान में नहीं है, पर ये दूसरे की व्याख्या करते हैं याद रखना, इसीलिए शक्ति केंद्र तो संघीय प्रणाली तभी तो होगी, कनाडा मॉडल इसीलिए तो उठाया गया है। ठीक है चलो ये कंप्लीट हो गया, अभी इधर यूपीएससी 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आज का टारगेट अपना कंप्लीट हो गया टाइमली। चलो अब इसका जवाब देगा कौन देगा, सपना बताओ। सुनो ये क्वेश्चन आपके फिर से इम्पोर्टेंट हो जाएगी। गवर्नमेंट ने है ना ये पेंशन प्रणाली पे वापस से एक कमेटी बैठाई है, तो याद रखना ये प्योर इम्पोर्टेंट है। ठीक है तो ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन ये सारी चीज़ें पता कर लेना, प्योर ये आएगा क्वेश्चन इससे रिलेटेड। अरे ना सुनो मैं कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताते जाता हूँ, लिखते जाया करो साइड में, फिर वो साल भर का करंट अफेयर वही बनेगा, तो याद रखना कह रही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, बताओ सपना। क्योंकि राज्य में ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन का इसका सी आ जाएगा, सी आ जाएगा कैरेट में शायद, ये तो पढ़ी थी 2-3 दिन पहले। अच्छा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली सामने तो नहीं है देखो सुनो, केवल निवासी भारतीय नागरिक ऐसा तो कुछ ही नहीं है भाई, ये तो जो नौकरी वोकरी करते हैं उन्हीं को मिलता है, 21 से 25 पर नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है भाई, राज्य सरकार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाए तारीख 50 सेवा में आए हैं। ठीक है तो गवर्नमेंट जॉब आते हैं उन्हीं को देता है। ठीक सशक्त बलों समेत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2024 के उसके बाद सेवा में आए, नहीं इसके लिए 2004 वालों के बाद के तो पेंशन बंद कर दिए ना, 2005 में बंद कर दी थी 2004 में। चलो ठीक है भारती बताओ सेकंड का, सब बोलते हैं मेरे सेकंड का, भारतीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है, आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान समुच्चय सूची में रखा है, ये नहीं पता एक सही है ना सर, अभी ढूंढ रहे होता है अभी, अभी पहले तो आया था क्वेश्चन ये, मैं तो वो कुछ काम करने चली गई थी। भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायत को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना का कार्यभार दिया जाए, तीसरा गलत है सर। शाबाश चलो तुम्हारा आंसर भी गलत, तुम्हारा आंसर भी गलत। चलो सुना बताओ सर, संविधान तो किसी को विहित नहीं करता है ना, अभी बताता हूँ तुम्हें तो क्वेश्चन में बहुत लोग अटकेंगे, आप बताओ आसना तुम भी अटकोगी मुझे पूर्ण भरोसा, हाँ बताओ। योजना आयोग का एक अंग है सर, ये नहीं है। अच्छा ये नहीं है, मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग आंसर बी है। आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत की ये भारतीय का आंसर आया, ये अमित का आंसर आ रहा है, और अभी और देखते हैं। नहीं नहीं मेरा बी है, दो 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 सर, दो और तीन सही है सर। अच्छा अरे सुनो देखो सर, तीसरा सही है सर। हाँ सही है वो सर, आपने ही बताया ना संविधान किसी को नीत नहीं करता है, ध्यान से पढ़ लो, भारत का संविधान ये विहित करता है। ठीक है कि पंचायतों का आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना कार्यभार भाई 29 विषय किस लिए दिए गए हैं, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और सर पंचायतों में ना बहुत काम चल रहा है इस टाइम। अरे हाँ पंचायती राज में काम करने वाले इनसे पूछो, ये पंचायत में बैठती है जाके। ठीक है अगर सुनो इधर, राष्ट्रीय विकास परिषद भाई ये पहले बन गया था, योजना आयोग बाद में आई थी। ठीक है सर, आधा तो मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी का सिलेबस पूरा है मेरे साथ में, वहाँ और क्या योजना इंप्लीमेंट होती है, आर्थिक सामाजिक योजना भारतीय संविधान सम्मति सूची में रखा गया, ये बात सही है दोनों तीन आंसर। चलो इसके बारे में कौन बताएगा, पूजा बता
को सीमन आयोग के आदेश में किसी भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। सर इसमें दे सकता पहला सही है। अरे नहीं दी जा सकती, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। सर इसमें नहीं है ना, बट ये जा हाँ सर नहीं दी जा सॉरी नहीं दी जा सकती है। उसके बाद दूसरा ये सही है गलत है ये बताओ, ये सही है गलत है? सर सही है, मतलब नहीं दी जा सकती। अच्छा 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 ठीक है ठीक। और फिर ये भी सही है, दोनों सही है, इसकी आ जाए पढ़ लेना कि इम्पोर्टेंट है आपकी बारे। ठीक है चलो छोड़ो, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है अब सुनो ध्यान से। तो देखो मुझे बताओ ना, मैं बोल रहा था देखो ऐसे संडे को तीन टेस्ट, आप एक ऐसे का टेस्ट है ठीक है, और एक आपका सोशल जस्टिस का टेस्ट है, और एक आपका सीसीएल का टेस्ट है। तो आप ये बताओ कि तीनों टेस्ट मैं उसी दिन बना के भेजूँ तो दे लोगे, या फिर मैं ऐसा करूँ कि कल सीसीएल का टेस्ट बना सीसीएल और ऐसे का बना के दे दूँ, ताकि कल आप इन दोनों में से कोई भी दे लो, फिर एक सोशल जस्टिस का दे लो संडे को। आप जैसे बोलोगे वैसा हो जाएगा। ऐसे का टॉपिक मैं दूंगा, तुम लोग नहीं डिसाइड करोगे। हाँ बोलो सर, क्योंकि मैंने ना कुछ बुक ऑर्डर की थी सर, फीमेल की थी, महिला प्रताड़ना वगैरह, तो मैं सोच रही थी सर उसपे ही मैं लिखूं, लेकिन कोई नहीं सर जवाब दे। अरे आप उनको यूज करो ना, वो तो किसी भी ऐसे में यूज कर सकते हो ना। ठीक है तो याद रखना कल मैं कल आपको भेज दूंगा ऐसे और सीशेट का पेपर रेडी करवा के, तो आप लोग दे लेना, ताकि वो संडे को आपको ज़्यादा बर्डन ना पड़े, आपको जो भी लगे वो दे लेना इधर। ठीक है सैटरडे को जो भी मन करे। ठीक है ईमानदारी से टेस्ट देना, सब स्कोर बताना मेरे को, और वो कॉपी चेक करो, वो कॉपी सबमिट करो मेरे को। ठीक है तीन घंटे ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। हाँ करेंगे तुम्हारे, अरे तुम लोग हाँ वो 17 तारीख को उसकी है। सुनो विजन का जो टेस्ट शुरू करेंगे अपन 17 तारीख को, टेस्ट है तुम्हारा पहला और दूसरा टेस्ट, और उसमें करंट अफेयर पढ़ना आपको जनवरी का। ठीक है सुनो ध्यान से, जनवरी करंट अफेयर पढ़ना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आधा आधा घंटा डेली अपन बैठ के उसको मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँगा, तो अपना कंप्लीट हो जाएगा जनवरी का। तो ऐसे करते रहेंगे अपन टेस्ट के साथ। ठीक है